और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 18 नाम है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव को असम के सिलचर से प्रत्याशी बनाया गया है। सुष्मिता देव यहां से वर्तमान सांसद हैं। वहीं वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से टिकट दिया गया है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा को तुरा से और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को कलियाबोर से प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरी सूची में असम के करीमगंज सीट से स्वरूप दास, सिलचर से सुष्मिता देव, कालियाबोर से गौरव गोगोई, जोरहट से सुशांता बोरगोहन, डिब्रूगढ़ से पवन सिंह घाटोबर, मेघालय के शिलोंग से विंसेंट पाला, तुरा से डॉक्टर मुकुल संगमा, नागालैंड से केएल चिशी, सिक्किम से भरत बसनेट, तेलंगाना के आदिलाबाद से रमेश राठौर, पेड़पल्ले ए चंद्रशेखर, करीमनगर से पूनम प्रभाकर, जरीराबाद से के मदन मोहन राव, मेडक से गली अनिल कुमार, मलकाजगिरी से ए रेवानाथ रेड्डी, चेवेला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, महबूबाबाद से पोरिका बलराम नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने तीसरी सूची में 18 प्रत्याशी घोषित किए हैं। सुष्मिता देव और पीएल पुनिया के बेटे को टिकट मिला है। तनुज पुनिया को बाराबंकी से प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव को कलियाबोर से टिकट मिला है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को तुरा से टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हुई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव को सिलचर से टिकट दिया गया है। वहीं तनुज पुनिया को बाराबंकी से प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरी लिस्ट तनुज पुनिया और गौरव गोगोई को भी इसमें टिकट दिया गया है। जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है, सुष्मिता देव और पीएल पुनिया के बेटे को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और यूपी की 18 सीटें हैं। जारी लिस्ट में तनुज पुनिया का नाम शामिल है। लगातार पीएल पुनिया का नाम आने पर वो ये मांग रहे थे कि आखिर तनुज पुनिया को टिकट दिया जाए।